रुपए से लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है और ये सब आपके व आपके परिवार की हिफाजत के लिए है। तमाम छोटी व बड़ी गाड़ी ड्राइवरों से अपील की जाती है, गाड़ी में उतनी ही सवारियां बिठाएं जितनी सवारियां आपकी आपकी पर दर्ज है, वरना आपको जुर्माना हो सकता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को ये जानकारी दी जाती है, गाड़ी ओवरलोड ना करें और फिक्स स्टॉप पर ही सवारियां उतारें और चढ़ाएं। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है और गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है और आप गाड़ी मालिक को दी जाएगी। तमाम गाड़ी वालों को जानकारी दी जाती है, कभी भी रेड सिग्नल जंप ना करें वरना आपको 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। माँ बाप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तमाम दुकानदार और रेहड़ी वालों को जानकारी दी जाती है, किसी भी चौराहे पर 50 गज तक कोई रेहड़ी ना लगने दें, चौराहे को खाली रखें और दुकानदार अपना सामान फुटपाथ पर ना रखें, क्योंकि इससे पैदल चलने वालों को परेशानी हो सकती है। चौराहे पर भीड़ भाड़ और जाम जैसे हालात बन जाते हैं। तमाम गाड़ी वालों को जानकारी दी जाती है कि अपनी गाड़ी चौराहे पर ना लगाएं, अपनी गाड़ी को सेफ जगह पर पार्क करें, वरना आपकी गाड़ी शिफ्ट हो सकती है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं, ट्रैफिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो सड़कों पर थे और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए थे। आज भी अगर बात करें तो ट्रैफिक डीटीआई जो कुंजवानी है अतुल जी, वो यहाँ पर मौके पर जो है वो मौजूद है और लोगों को रोक कर जो है खासकर टू व्हीलर, क्योंकि टू व्हीलर वालों को जो है आज खासकर उनको जागरूक किया जा रहा है और एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा। आज हमारे साथ यहाँ पर अतुल जी से साथ बातचीत करेंगे। अतुल जी, पिछले दिनों भी डीएसपी साथ होते वो भी सड़कों पर थे, जिसमें लोगों तक पहुँचाए थे, जिसमें वो लोगों को अवेयर करते हुए नजर आ रहे थे। आज आपको दुख रहे हैं टू व्हीलर वालों को, आज भी लोग हैं काफी लोग हेलमेट पहन रहे हैं, टू व्हीलर के बाद में दोनों पहन रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को जागरूकता जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं, ये हमारा फ्रॉम 20th हम डेली जो है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो है हमारा काउंटी हमें साइन किया गया कि लोगों को अवेयर करवाने के, तो हमारा मेन फोकस जो है मेन है पिलर राइडर जो है वो हेलमेट लगाए, जो मोटरसाइकिल के पीछे पिलर राइडर जो है वो मोटरसाइकिल हेलमेट लगाए अपनी सेफ्टी के लिए, और दूसरा जो कार के साइड पर जो वाली सीट पे जो बैठते हैं सवारी वो भी अपने सीट पर लगाए। आज का मेन फोकस हमारा है कि जो जुबिलेंट ड्राइवर हैं, हम अपने उनके माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको गाड़ी चलाने के लिए मत दें। एक तो उसका 25,000 रुपये जुर्माना है और 3 महीने की सजा भी है। हमारे आज हमने साथ में अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कॉरपोरेटर हैं यहाँ के, उनको भी साथ लाया है, लोकल जनता भी साथ है, उनको भी हम साथ देंगे, उनकी भी मदद दे रहे हैं अवेयर कराने में। कैसे देखते हो कि ऐसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो खुद अवेयर कर रही है, क्योंकि लोगों का बच्चे आलोचना करते रहते हैं कि आप सिर्फ चलान काटते हैं, ऐसे चलान काटते हैं, लेकिन ये लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पालन करिए नियमों का, आपका चलान कोई नहीं काटा जाएगा, लोगों को रोक रोक के बोल रहे हैं कि आप भागिए मत, हम आपको लगे फिर भी देख कर जुर्माने को डर रहे हैं भाग रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, अगर लोगों में करवाई जाए और दूसरी ओर हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, ऐसे है जैसे ताली एक हाथ से निकलती दोनों हाथों से ताली बजती है, तो अगर मिलकर के जैसे बैंक वाले किसी बात को समझा रहे हैं, जैसे जुर्माना सबसे पहले उन्होंने जैसे ये कहा कि 18 साल से नीचे बच्चों को, मैं भी इस फेवर में हूँ, मैं छोड़ के जिनके बच्चे 18 साल के नीचे हैं उनके माँ बाप भी फेवर में हैं, लेकिन वजह ये होती है कि बच्चा कई बार नूर पत्ती कर जाता है, कुछ कर जाता है, वो निकल के चल जाते हैं और वो बच्चे की गलती, जब बच्चा गलती कराता है तो माँ बाप भी बेचारे फंस जाते हैं। अब ट्रैफिक वाले उसमें क्या करें, वो ट्रैफिक वालों की कोशिश होती है कि ऐसा कोई हादसा सड़क पर ना हो, तो इसलिए जुर्माना, बाद में लोग ये कह रहे हैं जुर्माने के लिए, जुर्माना इसलिए नहीं किया जाता, कोई घर में बैठ कर थोड़ा बच्चा बैठा है तो उसको घर में जाकर कोई जुर्माना कर देगा, कोई बात गलत ही करेंगे तभी होगा। अब इन्होंने जैसे सिग्नल के बारे में कहा,
तो ये सिग्नल भी हमारी सिक्योरिटी के लिए लगे हैं। अगर हम सिग्नल जंप करें कहीं भी और भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उसमें फिर हम इल्जाम दें कि नीचे ये ट्रैफिक वालों का कसूर था, इसमें ट्रैफिक वाले नहीं थे। भाई एक सिग्नल लगे हुए हैं तो उनको देखना सुनना वो एक ड्राइविंग करने वाले का ही होता है। दूसरा जैसे अभी अभी साहब कह रहे थे कि बेल्ट पहनी हुई होनी चाहिए, अगर वो बेल्ट बनी है तो कुछ सोच समझ के इंजीनियर ने बनाई है लगाई है। हमने कई बार क्या देखा है कि बेल्ट पकड़ेंगे भी तो उसको प्रॉपरली नहीं बांधा जाता, उसको प्रॉपरली बांध के रखिए। साइड वाली जो है जुआरी बैठा है कोई भी है साथी जो बैठा वो भी बांध के रखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कम से कम 90% सेफ्टी होती है। तो मैं ये कहूँ कि जैसे अब ये हेलमेट का जुर्माना रखा है, दूसरी चीज़ों का जुर्माना रखा है, तो जुर्माना कोई पैसे दूर करने के लिए नहीं रखा गया, ये सिर्फ समझाने के लिए रखा गया है। हम लोगों को मिलकर के सबके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ट्रैफिक वालों के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो अपने ड्यूटी अंजाम भी सही दे सकें। और इसमें लोगों की सबसे बड़ी सेफ्टी है कि देखिए जान ही बचानी सबसे जरूरी। मैं प्रीतम सिंह कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 55 से। आज जो ट्रैफिक वालों ने आज क्या है काफ़ी देर से जो इन्होंने शुरू की है मुहिम, कुछ लोग कहते हैं कि चलान काट लें, ये चलान नहीं है। मेन है कि किसी का जंग बच्चा जब 16 साल का बच्चा आजकल बाइक लेके जा रहा है तो वो अगर ट्रैफिक वाले उसको रोकेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को बताए बिना गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। इसलिए कि मैं बहुत बहुत इससे खुश है कि ये ट्रैफिक वाले बिल्कुल इस गर्मी में तपती गर्मी में खड़े होके ये लोगों की फैसिलिटी और लोगों की सेफ्टी के लिए जो भी सुविधा दे रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं, क्योंकि बिना सीट बेल्ट डाले जो जाते हैं उनको समझाए बेर कर रहे हैं। और दूसरा जो छोटे छोटे बच्चे बिना हेलमेट डाले हुए पीछे जो सीट पर बैठे बिना हेलमेट डाले हुए यह कि अपनी लाइन क्रॉस करके आगे आए थे, ये कि इनको बेर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसको जनता ने, मैं जनता के आगे ये अपील करता हूँ कि जो नियम जो कानून है इनको पालन करें। अगर कोई नियम बने हैं कि हेलमेट जो है वो हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे जितने भी बहन भाई जो भी चला रहे हैं विदाउट हेलमेट मत जाएं, गाड़ी विदाउट हेलमेट मत जाएं और गाड़ी में अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें ताकि कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस वाले कोई हमारे दुश्मन थोड़े हैं, वो हेल्प के लिए हैं। अगर किसी ने अपनी गाड़ी में डॉक्यूमेंट रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं है। अपनी सीट बेल्ट डाल के रखें, अपने प्रॉपर हेलमेट डाल के रखें और प्रॉपर दूसरी की भी सेफ्टी करें, खुद भी ध्यान से चलें। एक चीज और आपसे जाननी है, सड़कों पर अमूमन चौकों पर जो देखा जा रहा है कि रेहड़ी वालों का काफी रश हो रहा है और जिसकी वजह से लोग जो हैं सड़कों पर लगा रहे हैं गाड़ियां लगाते हैं शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह यही देखा जा रहा है अमूमन। हालांकि ट्रैफिक विभाग के पास कोई अधिकार नहीं है उनको हटा सके, वो पुलिस विभाग का कार्य है। जम्मू मुंशी कॉर्पोरेशन को इस पर ध्यान, क्योंकि आप कॉर्पोरेटर हैं, इस तरफ क्या आवाज उठाई जाएगी कि रेहड़ी वालों को जहाँ तो अलग स्पेस दिए जहाँ फिर उनको कुछ टाइम दे रहे कितने समय तक रुकेंगे, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते आप? क्योंकि अभी भी मैं आ रहा था लोग सड़क के बीच में गाड़ी लोग इतना रश पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों तक लोग खड़े रहते हैं। भैया आपका मीडिया से मैं आपके चैनल को बड़ी बधाई देता हूँ, एक ने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये मैं अपील करता हूँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये गाड़ियाँ कोई इक्का दुक्का गाड़ी लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। ये मेरा कजवानी से लेके ग्रेटर का चौक तक, बिल्कुल, ये विशाल मेगा मार्ट है या फिर ये जेके बैंक है या ये ब्रांड फैक्ट्री के थोड़ा सा आगे चले जाओ, इस रोड पे तो ये ऐसा हो गया कि ये रोड जो नेशनल हाईवे बिल्कुल पार्किंग बन गई है। मैं कहता हूँ कि ये गाड़ियाँ जितनी भी लगी है ना रोड के बीच में मैक्सिमम उठाई जानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने एनक्रोचमेंट की है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हम बता चुके हैं कि जो लोगों ने अपनी बिल्डिंगें चार चार मंजिली छह छह मंजिली बनाई हुई हैं, इन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस रखी है, इन्होंने उसमें अपने ऑफिस बनाए हैं, उसमें शोरूम बनाए हैं, उसको ये खुद कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियां सारी रोड पे लगी हैं। इससे मैं ट्रैफिक एसएसपी से अपील करता हूं, इससे जल्दी से जल्दी ये एक्शन लें। बाईपास रोड दोनों साइडों से बिल्कुल दोनों रेड सारे इतना कवर करके रखा है, जो गलियों में गाड़ी टर्न करती है उसकी भी मुश्किल होती है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर दोबारा ये अपील करता हूँ, जो दोनों साइड रोड पे गाड़ियां लगी हैं बाईपास और भी काफी जगह लगी हैं, इनको इमीजिएटली उठाएं या इनको चलान करें, इनको सख्ती से बेचाएं, नहीं तो ये सुधरने वाले नहीं है। और मैं देखा यहाँ पर खास बातचीत कर रहे हैं और ट्रैफिक विभाग द्वारा एक बार फिर से कैंपेनिंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और जो नियम फिर से लागू किए गए हैं, जो अगर बात करें जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
जो कानून लाए गए हैं उसमें दोनों अब टू व्हीलर से ऊपर जो आगे और पीछे दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए जागरूकता जो है वो चलाई जा रही है और कैंपेनिंग तेज हो गई है। और यही दृश्य मैंने आपको पिछले दिनों भी दिखाए थे और साफ तौर पर यही कहा गया था कि आप लोग हेलमेट जो है वो दोनों पहने ताकि जान जो है वो बची रहे और जान हर एक शख्स की जो है वो उतनी मान्य और इतनी अमूल्य है जितनी एक अगला इंसान जो ड्राइव चला रहा है अगर वो हेलमेट पहन रहा है तो है। तो यही दृश्य एक बार फिर से कुंजवानी से अगर आप निकल रहे हैं तो आपको किसी तरह से रोका जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भी दिख रहे हैं ट्रैफिक वर्दी यानी कि ट्रैफिक पुलिस वालों की वर्दी को देखकर पुलिसकर्मियों को देखकर जो है लोग एकदम से रफ्तार पकड़ते हैं। हालांकि पिछली बार भी ऑफ द कैमरा हमें ये बताया गया था कि हमारे कितने लोग जो है वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, जो लोग खाली रैश ड्राइविंग करते हुए जहाँ जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं वो लोग एकदम से जो है वो गाड़ी को रफ्तार बढ़ाते हैं और हम लोग घायल हो जाते हैं इस चक्कर में। तो बड़े बड़े लोग आप देख सकते हैं RTTI अगर बात करें तो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हर दिन ये कैंपेन चलाई जा रही है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो आ सके। अभी हालांकि कुछ लोगों ने अभी जो है पहनना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं तस्वीरें दोनों हेलमेट जो है लोग पहन रहे हैं, अब नियमों का पालन भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बाइक पर दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, बहुत अच्छे दृश्य है, लोगों को समझ आ रहा है, लोग अब साथ दे रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहाँ से कुंजवानी की अगर बात करें तो। हालांकि कुछ समस्याएं अभी भी हैं जिन समस्याओं पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, जैसे कि मैंने वो कहा कि इस साइड अगर आप देखें ये जो रोड वे मॉल की तरफ जाता है यहाँ पर जो मॉल्स हैं इनकी जो पार्किंग है वो पार्किंग जो है वो रोड्स के ऊपर होती है, इस पर एक्शन होना चाहिए, लगातार एक्शन होता है, गाड़ी को उठाया जाता है लेकिन फिर भी लोग जो है वहाँ पर पार्किंग करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ भी चौकस हैं अगर जीवल की बात करें, भगवती नगर की बात करें, आप परेड की बात करें, रेहड़ी वाले जो हैं उन्होंने काफी तरीके से जो है वो रश जो है वो डाला हुआ है सड़कों के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर डाला हुआ है और सड़कों के बीच में रेहड़ियां लगी होती हैं, लोग गाड़ी पार्क करके वहां पे शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। हमारी अपील है SSP ट्रैफिक से और SSP जम्मू चंदन कोहली जी से कि आप दोनों जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोगों को आवाजाही की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग जो है लगातार जो है वो रेहड़ियां जब सड़कों पर लगती हैं तो लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को पार्क करके वहां पर खरीदारी करते हैं तो उस समय जो है वो काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है क्योंकि हैवी जाम जो है वो पीछे हो जाता है। जब एक इंसान गाड़ी रोकता है तो पिछले वाले को अगर कहीं इमरजेंसी में जाना है घंटों घंटे तक एक बार एम्बुलेंस जो है वो फंसी रहती है, तो कुछ अभी भी जो लूप होल्स हैं उनको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हालांकि जो कार्य ट्रैफिक विभाग द्वारा किया जा रहा है इस वक्त अगर बात करें उच्च अधिकारियों के साथ DSP SP SSP तमाम DTI तमाम अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छा है। दूसरी तरफ के दृश्य भी आप देख सकते हैं, फीमेल्स को भी जो है वो स्कूटी ड्राइव करती हैं हमारी माताएं बहनें उनको भी रोक रोक के यही समझाया जा रहा है कि आप हेलमेट जो है वो पहनिए। वो देखिए हेलमेट नहीं पहना हुआ, लोग एक्सक्यूज करते हैं, देखिए बहसबाजी वहां भी शुरू हो गई है, ये देखिए हेलमेट नहीं पहना हुआ, हम खुद हमें जिम्मेवारी समझनी होगी, हेलमेट को पहनिए। हेलमेट क्यों बनाया गया है? ताकि हमारा सर जो है वो बचा रहे, सर सुरक्षित रहे, हमारी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारा डेलिकेट पार्ट होता है हेड, अगर हेड में थोड़ी सी इंजरी होती है तो जिंदगी जो है वो जा सकती है और जिंदगी जो है वो खत्म हो सकती है। आपको किस तरीके का ये कंपेन लग रहा है ट्रैफिक विभाग द्वारा जो नई पहल की गई है इसमें लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है इससे आप कितने सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर, मुझे दिनोबरा को दीजिए इजाजत, जय हिंद।